खुद देखा है कि मां आ रही है। समाधि या अंधविश्वास, क्या है पूरा इतिहास? 10 साल से समाधि में जिंदा है ये संत। गुरु को जगाने के लिए शिष्या ने भी ली समाधि। क्या मौत के बाद भी कोई जिंदा वापस आ सकता है, या फिर ये केवल आस्था के नाम पर एक ढोंग है? ऐसी ही एक घटना जो लखनऊ से सामने आई है और कुछ दिनों से बेहद ही चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि वारदात कुछ 10 साल पहले की है। आशुतोष महाराज ने जीते जी समाधि ले ली थी, तब से वो एक डीप फ्रीजर के अंदर उसी तरह लेटे हुए हैं। 10 साल बाद भी ठीक एक महीने पहले आशुतोष महाराज की एक शिष्या ने भी समाधि ले ली, इस दावे के साथ कि वो एक महीने भर के अंदर अपने महाराज को समाधि से वापस लेकर ही लौटे। उनका कहना है कि जब भी गुरु समाधि में जाते हैं तो उनके शिष्य ही उन्हें वापस लेकर आते हैं। वो स्वयं नहीं उठते, उन्हें उनके शिष्य ही समाधि से उठाते हैं, समाधि से लौटाकर वापस लाते हैं। वहीं अब एक महीना बीत चुका है, लेकिन ना ही आशुतोष महाराज समाधि से वापस लौटे और ना ही उनकी शिष्या। दरअसल लखनऊ से 922 किलोमीटर दूर जालंधर में डीप फ्रीजर में लेटे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक बाबा आशुतोष महाराज समाधि में जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से ये कहा था कि वो इस शरीर में फिर से लौटेंगे। उनके इस आदेश का पालन करते हुए उनके भक्तों ने उनके शरीर को आज भी सुरक्षित रखा है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका निधन हो चुका है। आशुतोष महाराज के शरीर को उनके भक्तों ने पंजाब के जालंधर के नूर महल में सुरक्षित रखा हुआ है। शव को एक डीप फ्रीजर में रखा गया। ना तो आशुतोष महाराज समाधि से वापस लौटे और ना ही उनको बुलाने के लिए समाधि में गई उनकी शिष्या आशुतोष आंबरी के शरीर में कोई भी हलचल दिखाई दे रही है। यानी हालात अब भी जस के तस हैं। समाधि से वापस आने को आशुतोष आंबरी के एक महीने भर की हेडलाइन अब पूरी हो चुकी है। इसी के साथ समाधि का सस्पेंस अब डबल हो चुका है। तो क्या समाधि में जाकर किसी को समाधि से वापस लाने की ये कोशिश फेल होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर इस कहानी का सच कुछ और ही है? वैसे समाधि की इस रहस्यमय कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप में झांकना जरूरी है। ये वही तारीख थी जब जालंधर के नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज ने जीते जी समाधि ले ली थी। कहते हैं कि इतिहास कभी ना कभी अपने आप को दोहराता जरूर है। महाराज को समाधि वाली कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। अब ठीक आशुतोष महाराज की तर्ज पर उनकी एक खास शिष्या आशुतोष आंबरी ने भी समाधि ले ली है। बाबा के समाधि में जाने के ठीक 10 साल बाद 24 जनवरी 2024 को साध्वी आशुतोष आंबरी ने अपने बिस्तर पर समाधि ले ली। फिलहाल उनके पूरे शरीर में कई तरह के लेप लगे हैं और उनके शिष्य उनका दिन रात ख्याल रख रहे हैं। बल्कि अब तो आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोष आंबरी के इर्द गिर्द उनके शिष्यों ने उन्हें समाधि से वापस लाने के लिए हवन पूजन की भी शुरुआत कर दी है। लेकिन ये हवन पूजन कब तक चमत्कार दिखाएगा? आश्रम में बिस्तर पर लेटी साध्वी की जांच करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि वो ना तो सांस ले रही हैं और ना ही उनकी पल्स चल रही है, और तो और उनका शरीर कोई भी ऑर्गन फिलहाल काम नहीं कर रहा है। खुद डॉक्टर उन्हें क्लिनिकली डेड तो मानते हैं, लेकिन उन्हें डेड डिक्लेयर करने के सवाल पर ये कहते हैं कि किसी और डॉक्टर से एक बार मेडिकल जांच करवाई जा सकती है। संपूर्ण विश्व के कल्याण, शांति की स्थापना, नवयुग एवं सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, जो 28 जनवरी 2014 से समाधि में है, उनको अब उठना आवश्यक है। समाधि से उनका वापस आना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। सृष्टि के कल्याण हेतु, शांति की स्थापना के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का समाधि से जागना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सर शरीर उनको उठाने की व्यवस्था उपलब्ध ना हो पाई, इस कारण से हम समाधि धारण करके उनको दिव्य अवस्था में समाधि
जो हमारी सनातन पद्धति है और श्री आशुतोष महाराज जी की ज्ञान विज्ञान की पद्धति, माँ आशुतोषावरी की ज्ञान विज्ञान की पद्धति, बाबा जी महाराज की ज्ञान विज्ञान की पद्धति सनातन पद्धति है, ब्रह्म ज्ञान की पद्धति है, ब्रह्म विद्या है, जिसके अंतर्गत समाधि जिसका एक अद्वितीय सोपान है और समाधि के द्वारा बड़े से बड़े कार्य को लक्ष्य को पूर्ण किया जाता है। किसी से कोई प्रशासन से किसी से कोई किसी प्रकार की कोई निराशा या किसी प्रकार की कोई शिकायत कहीं किसी से नहीं है। हम प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ हम अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु हम इस समाधि को धारण कर रहे हैं। यह एक प्रसन्नता का विषय है।